तो गाइज आज हम लोग बनाएंगे मटन करी, एकदम मसालेदार, सुपर सॉफ्ट, जूसी। इस तरीके से आपने मटन करी ना कभी नहीं बनाई होगी। एक बार इस तरीके से बना लोगे ना तो सारे तरीके भूल जाओगे। तो चलिए देर किस बात की, फटाफट से ना ये सुपर टेस्टी मटन करी की रेसिपी शुरू करते हैं। इस मटन करी के लिए ना सबसे पहले गैस पे हम कुकर चढ़ा लेते हैं, और यहाँ पर मैंने ले लिया है तेल। तो यहाँ पर मैंने टोटल 200 ग्राम के करीब में तेल गरम कर लिया है बहुत ही अच्छे से। 3 तेज़पत्ते, 3 से 4 सूखी वाली लाल मिर्च डाल दिया, उसके बाद जीरा डाल दिया। जैसे ही पॉप होने लगे ना वैसे ही हम इसमें डाल देंगे प्याज। तो यहाँ पर मैंने डाला है प्याज 1/2 किलो, यानी कि 500 ग्राम प्याज डाला है। 1 किलो मटन लिया है, ठीक है। यहाँ पर ना आप प्याज को थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा भुनेंगे जब तक इसे ना थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा ना हो जाए, ठीक है। हमें इसे एकदम ना मतलब इसका जो कलर है ना वो हमें लाइट गोल्डन कलर जो बेसिकली करते हैं लोग वैसा नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा सा हल्का गुलाबी हो जाए। बस ये हाई फ्लेम पे ना इसको थोड़ा सा आप मिक्स कर लो, कुछ ही देर में थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा। इसके बाद ना इसमें ना लहसुन को ना कूट लो, ठीक है। 2 पॉट मैंने लहसुन के लिए और उसको छील के अच्छे से कूट लिया है, थोड़ा दरदरा होना चाहिए, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर से, ठीक है। जैसे ये मिक्स हो जाए कुछ सेकंड्स के लिए भुनने के बाद हम इसमें डाल देते हैं मटन। तो ये टोटल 1 kg मटन है, और अब इसके बाद ना मटन को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, नीचे से चलाते हुए मिक्स करेंगे, ठीक है। अच्छे से ना प्याज के साथ एकदम कोट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही जेंटली हमें इसे मिक्स भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो मटन के पीसेस हैं वो टूट ना जाएँ, इसीलिए बस तलों से आप ध्यान रखना कि इसको मिक्स करना है। और कुछ देर इसको मिक्स करने के बाद पकाएंगे थोड़ा सा 5 मिनट के लिए, और जैसे इसका जो कलर है ना ये वाइटिश हो जाए तब इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखें फ्लेम यहाँ पर अभी तक हाई पर है। इसके साथ ही मैंने हल्दी डाल दी है 2 चम्मच, हल्दी थोड़ी ज़्यादा डलती है इसमें, इस बात का ध्यान रखें। मिक्स कर लेंगे अच्छे से, बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स करना है, और उसके बाद ना इसको पकने देंगे हम। इसके साथ ही जैसे हल्दी मिक्स हो जाए ना इसमें अदरक डाल देंगे, अदरक का जो छोटा टुकड़ा लेके इसको कूट के डाल देंगे, थोड़ा सा मिक्स करेंगे। इसके बाद इसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर जो तीखी वाली है, इसके साथ ही ना 1 चम्मच जीरा डाल दिया, इसके साथ ही 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। दोनों मिर्चें अलग है, एक तीखी है और एक कलर देने वाली है, ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। इसके साथ ही 2 चम्मच मैंने डाल दिया धनिया पाउडर, और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे मीडियम फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए, ठीक है। तो जब तक हमारा मटन पक रहा है तब तक हम अपना गोटा मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जीरा लिया है 1 टीस्पून, 2 बड़ी इलायची, 4 हरी इलायची, 1/2 स्टार लिया है, कुछ दालचीनी के टुकड़े, काली मिर्च लिए 4 से 5, और 4 से 5 लौंग लिए, जीरा लिया है। और अब इन सभी को ना अच्छे से हम पीस लेंगे, ठीक है, या सिलबट्टे में पीसे या मिक्सी में पीसे, ठीक है। इसके बाद हम चेक कर लेते हैं, 15 मिनट हो गए, 15 मिनट के बाद हमें देखना है कि मटन पका है या नहीं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑयल बहुत अच्छे से सेपरेट हो चुका है, और यहाँ पर जो मटन है वो हाफ कुक हो चुका है हमारा, देख के ही लग रहा है, और बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग भी लग रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर जो मसाला हमने बनाया था ना गोटा मसाला, उसको मैंने अच्छे से पीस लिया है और इसमें डाल दिया है, ठीक है। इसके साथ ही इसमें 1 टमाटर को हम 2 भाग में डिवाइड करके डाल देंगे, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने टाइम पर आप ध्यान ना जो कलछी है ना वो एकदम नीचे से चलानी है, ताकि हमें पता चल जाए कि चिपका है या नहीं है मटन, ठीक है। तो अब इसके बाद में से 10 मिनट के लिए हम कवर कर देते हैं, और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको हम पकने देंगे। 10 मिनट के बाद ही हम इसे देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं, और एक बार इसे चला लेते हैं नीचे से तलों से। और यहाँ पर मटन देख के आपको पता चल रहा होगा किस तरीके से ऑयल सेपरेट हुआ है, स्टीम की वजह से आपको थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। यहाँ पर मैंने ना 1 कप के करीब पानी डाल दिया है, इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी अपने आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाले, कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ना इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पर लिया है मटन मसाला, तो आप कोई सी भी ब्रांड का ले सकते हो, जरूरी नहीं है जो मैंने लिया है वही लें। यहाँ पर ना इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जैसे ये अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद इसे कवर कर देंगे, और इसे 4 से 5 सीटी आने तक पकाएंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे, ठीक है। तो चलिए कुकर ठंडा हो गया और इसकी एयर है ना वो भी बाहर आ गई है अच्छे से। तो यहाँ पर वाव मटन देख के ना मज़ा आ गया,
बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। और ऑयल आप देख सकते हो किस तरीके से सेपरेट हुआ है, जैसे आप ढाबा या रेस्टोरेंट में जाके खाते हो ना, जो ऊपर ऊपर तेल तैरता रहता है, बस वैसा ही मटन बना। और इतनी ज़्यादा खुशबू इसकी अच्छी आ रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। आप ज़रूर से ट्राई करो और तभी आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये मटन की रेसिपी कैसी लगी। बस इसके ऊपर फ्रेश हरा धनिया स्प्रिंकल करना है और इसे गरम गरम परोसे चावल, रोटी, नान किसी के साथ भी, मज़ा आ जाएगा आपको खा के। ये मटन बहुत मज़ेदार बना है। तो गाइज, आपको मेरी ये मसालेदार मटन की रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। और अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही यामी यूनिक रेसिपीज़ देखने के लिए ना चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।